सब्सक्राइब कीजिए स्टडी दंगल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी दंगल में। तो अब हम जानेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ फ्रैक्शंस में किस तरह से निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ फ्रैक्शंस पे। हेडिंग लगा लेना एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला इसका होता है। कैसे, जैसे कोई संख्या है और हमारी फ्रैक्शंस किस में होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। जैसे एक्स अपॉन पी कोई फ्रैक्शन है, वाई अपॉन क्यू कोई फ्रैक्शन है, सी अप जेड अपॉन आर कोई फ्रैक्शन है। तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अंश, और इसको कहते हैं हर। अंश बटे हर की फॉर्म में होती है हमारी फ्रैक्शन। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम यानी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर जो है हमारा उसका एलसीएम लेंगे। कैसे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। कैसे, न्यूमरेटर में एलसीएम ऑफ एक्स वाई और जेड, और अपॉन में एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, पी सॉरी एचसीएफ ऑफ पी क्यू और आर। ठीक है, जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ऊपर वाला यानी अंशों का हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, और बटे में एस सी एफ ऑफ डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर क्या होता है हमारा, हर, हर होता है एस सी एफ ऑफ पी क्यू आर। जब हम इसका एस सी एफ लेंगे तो इसे पलट जाता है, ऊपर वालों का एस सी एफ नीचे वालों का एलसीएम। कैसे, अगर एस सी एफ फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एस सी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन एलसीएम ऑफ पी कोमा क्यू कोमा आर, पी कोमा क्यू कोमा। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। जब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन का तो ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं, और जब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है तो ऊपर का एक्स वाई जेड का एचसीएफ लेना है, और हमारा पी क्यू क्या है, डिनोमिनेटर है, उसका क्या लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, ऐसे याद कर लो कि एलसीएम ले रहे हैं तो ऊपर वालों का एलसीएम, एचसीएफ ले रहे हैं तो ऊपर वालों का एचसीएफ। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आता रहता है इस पर। देखिए, आपकी बुक में भी मिल सकता है ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन भी बहुत बच्चे गलत भी करके आते हैं, ऑप्शन में ऑप्शन भी ऐसे ऐसे मिलते हैं कि करेंगे ही करेंगे गलत। कैसे क्वेश्चन, जैसे 0.6, 1.8 और 0.36 का हमें एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्मली बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा कि 6/10, इसको लिख लेगा 18/10 और इसको लिख लेगा 36/100। ठीक है, अब यहाँ से हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो क्या लेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम 6, 18 और 36, मतलब इन तीनों से कटने वाला नंबर जो होगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो 6, 18, 36, तो 36 यानी सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, 6 से कटता है बिल्कुल कटता है, 18 से भी कटता है, और नीचे वालों का एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, बड़े से बड़ा कॉमन। तो बड़े से बड़ा कॉमन इसमें क्या, 10, 10 और 100 में तीनों को डिवाइड कर दे, वो कौन सा मान है, 10। तो मैं इसे सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3.6। ठीक है, और एचसीएफ कैसे लेते हैं, एचसीएफ अगर इसका निकालना है तो एचसीएफ कैसे लेंगे, एचसीएफ यानी ऊपर वालों का एचसीएफ, एचसीएफ 6, 18 और 36, 6, 18, 36 का एचसीएफ कितना आएगा, 6, और 10, 10, 100 इसका क्या लेना, एलसीएम, नीचे वालों का एलसीएम कितना आएगा, 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.06। ठीक है, ये दोनों आंसर निकाल देते हैं, अगर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम 3.6 लगा देंगे, अगर एचसीएफ पूछा है तो 0.06 लगा देंगे, जो कि बिल्कुल तरीका गलत है। ठीक है, ये तरीका क्यों गलत है, मैं इसे समझा देता हूँ क्यों गलत है। देखिए, अभी हमारा आंसर आया था कितना, 3.6 एलसीएम,
और HCF कितना निकाल के आया है, 0.06। ठीक है, देखो इसको क्वेश्चन को करते कहते हैं, जो इसका सही आंसर है, सही तरीका है, 0.6 और 1.8 और 0.36। अगर तुमने इस फ्रैक्शन को, अभी हमने 36/100 लिखा, क्यों लिखा, इसका मतलब ये होता है कि 100 से ही गुणा किया गया और 100 से ही भाग, 100 से गुणा 100 से भाग किया गया, तो इसका मतलब है उसे 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 से किसी भी मान पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो तुमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से भाग किया है, तो इन नंबर्स को 10 से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो ये मान बदल जाएंगे, अगर मैं अगर इसको 100 से कर रहा हूँ तो बड़े से कर रहा हूँ, तो सबको भी मुझे 100 से ही करना पड़ेगा। अगर इसको 10 से कर रहा हूँ, इसको 10 से कर रहा हूँ, तो इससे इसको भी 10 से ही करना पड़ेगा। तो हम बड़े मान को किससे कर रहे हैं, 100 से डिवाइड, 100 से भाग, तो क्या करेंगे, 100 से ही सभी को करेंगे। कैसे, इसे लिखेंगे 60/100, 100 से गुणा 100 से भाग, इसको लिखेंगे 180/100, 100 से गुणा 100 से भाग, इसको लिखेंगे 36/100। ठीक है, मैंने इसको भी 100 से गुणा 100 से भाग किया, इसको भी 100 से गुणा 100 से भाग किया, और इसको भी 100 से गुणा 100 से भाग किया। अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम कितना आएगा, 60, 180 और 36, बड़ी वाली संख्या को एलसीएम मान लेते हैं, 180 मान लिया। अब 60 में क्या होता है, 60 से पूरा पूरा डिविजिबल है, हाँ पूरा डिविजिबल है, 36 से पूरा डिविजिबल है, पूरा डिविजिबल है, तो ना तो कुछ लेना है ना कुछ निकालना है, तो 180 के आ गया हमारा एलसीएम। और नीचे वालों का क्या लेते हैं, एचसीएफ, 100 100 100 में कौन सी बड़ी, सबसे बड़ी पावर है, कितना आएगा 100। ठीक है, 100 से बड़ा कोई मान नहीं है, जो इन तीनों काट दे। अब 0 से 0 कट गया, कितना बचा, 1.8, हमारा एलसीएम कितना निकल के आया, 1.8। ठीक है, अब एचसीएफ फाइंड आउट करना है, अब HCF फाइंड आउट करना है, तो HCF फाइंड आउट करना है, तो HCF क्या लेंगे, ऊपर वालों का HCF, HCF कितना आएगा, 60, 180 और 36, तो 60, 180 और 36 में HCF जो आएगा हमारा निकल कर कितना आएगा, 12। ठीक है, मतलब 12 से बड़ा ऐसा कोई मान नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, 12 से 12 से 5, 12 से 12 15 में 180, 12 से 36 कहोगे 18, भाई 18 से 36 कटता है लेकिन 180 कटता है, लेकिन 60 नहीं कटता, तो वो कौन सा मान है, 12। तो 12 हमारा एचसीएफ आ गया, नीचे वालों क्या लेते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम कितना, 100 100 100 का एलसीएम कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि तीनों से कटने वाला मान क्या होगा, एलसीएम होता है, कितना आएगा 100। तो मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 0.12। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आया कितना, 1.8, ये हमारा एचसीएफ आया 0.12। देखो क्या है, वो आंसर्स क्यों गलत थे और ये सही क्यों है। जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, लीस्ट मतलब छोटा। अब बताओ 3.6 यहाँ पे आया था और 1.8 आया, कौन सा छोटा है, 1.8, तो लीस्ट मान होता है एलसीएम। ठीक है, जब मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई, 10 से भाग किया था तो 3.6 आया था, ये तो 1.8 से बड़ा है, तो इससे छोटा तो 1.8 है। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट में एचसीएफ में क्या होता है, बड़े से बड़ा, यहाँ पे 0.06 है और यहाँ पे आया 0.12, तो 0.06 से कौन सा बड़ा है, हाईएस्ट होना चाहिए 0.12, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0.12। तो ये वाले गलत आंसर हैं, ये क्या हमारे राइट आंसर। ठीक है, तो इससे पता लगा कि फ्रैक्शन को अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो सबको 10 से मल्टीप्लाई, 10 से भाग करें, और अगर 100 से किया तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से भाग करें। तो आइए इस बात को और अच्छे से जानने के लिए एक और छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, कि जैसे 8 और 12, अगर मैं इसका 8 12 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करता हूँ, तो इसका एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा, अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड आउट करता हूँ तो 8 12 का एलसीएम कितना आएगा, 24। ठीक है, अगर मैं इसका एचसीएफ फाइंड आउट करता हूँ, एचसीएफ कितना आएगा 8 12 का, 4। ठीक है, क्योंकि 4 से दोनों डिविजिबल, 4 2 8, 4 3 12। अब अगर मैं इस नंबर को 8 12 को, 8 और 12, मैं 8 को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से भाग कर देता हूँ और 12 को नहीं करता, क्यों, क्योंकि उससे इस आंसर पे इफेक्ट पड़ते हैं या नहीं ये चेक करना, क्योंकि वहाँ पे क्या गया था कि एक को 100 से करा था, एक को 10 से करा था, एक को 10 से करा था। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब 1 मानने पे आप क्या करते हैं, एलसीएम अगर इसका फाइंड आउट करना है तो एलसीएम फाइंड आउट करते हो क्या करते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं, 80 और 12 का एलसीएम, भाई बड़ी संख्या को हम एलसीएम मान लेते थे, क्या वो अदर नंबर से पूर्ण से विभाजित है, नहीं, 12 से 80 नहीं कटता, तो 12 में होता है 4 गुणा 3, तो 4 तो 80 में है पहले से ही, लेकिन 3 नहीं है, 3 को उठा के लिए,
ठीक है। अब नीचे वालों का लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तब क्या लेते हैं नीचे वालों का एचसीएफ, एचसीएफ 10 और 1 का एचसीएफ कितना होता है 1, तो एचसीएफ आ गया 1, तो आंसर हमें कितना मिल गया यहाँ से 240। ठीक है, अगर हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं तो एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम, तो 80 और 12 का हमें क्या लेना है एचसीएफ, 80 12 का एचसीएफ अगर लेंगे तो ये एचसीएफ आएगा हमारा 4, और नीचे वालों का लेंगे एलसीएम, 10 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 10, तो 10 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 10, और 10 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.4, तो हमें यह आंसर मिल गया। एलसीएम मिला हमें यहां से 240, कब, जब मैंने उसको 8 को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से भाग कर दिया था, क्यों किया था, क्योंकि ये अभी भी 8 ही है, लेकिन हमारे आंसर चेंज हो गए, यहाँ पे हमारा 240 एलसीएम और यहाँ पे एलसीएफ आया 0.4। अब देखो यहाँ पे हमारे जो एग्जैक्ट आंसर थे 24 था एलसीएम, और 24 ये 240 तो इससे बहुत बड़ा है, और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, लीस्ट मतलब छोटा, तो छोटा कौन है इसमें 24, तो आंसर हमारा क्या होगा 24। अगर एलसीएफ की बात करें एलसीएफ होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है हमारा 4, अब हाईएस्ट कॉमन में देखना 4 है, यहाँ पे 0.4 है, तो 0.4 तो छोटा है, तो हमारा बड़ा होना चाहिए, बड़ा आंसर कौन सा 4। तो हमारे किसी भी फ्रैक्शन में अगर मैंने किसी को भी किसी भी मान को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से भाग किया है, तो जितने भी हमें संख्या दी गई हो तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से भाग करेंगे, या 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से भाग करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।